पूछना चाहती हूँ कि आए दिन आपके सिलेंडर के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो इन महिलाओं के लिए क्या सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर, आपने कनेक्शन तो करवा दिए, क्या मुफ्त आप सिलेंडर उन्हें देने का कष्ट करेंगे? क्या क्या मुट्ठी भर राशन बांट करके हम महंगाई पर नियंत्रण पालेंगे? और आजकल सरकार की देन है कि ये गाना सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है, बड़ी फेमस होती चली जा रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं अपने प्रश्न से इस सदन को, आज जनमानस का एक बहुत गंभीर विषय है महंगाई, उसके ऊपर आपका ध्यान अर्जित करना चाहूंगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था कि महंगाई की रोकथाम के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है, तो उसका जो उत्तर है बड़ा ही गोलमोल सा आया है। तो अध्यक्ष जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि RBI डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बिलो पावर्टी लाइन 30% हमारी आबादी है, और आजकल सरकार की देन है कि ये गाना सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है, बड़ी फेमस होती चली जा रही है। आज अगर हम बात करें भोजन की, सब्जी की, कपड़ों की, जूतों की, ईंधन की, मेडिसिन की, पढ़ाई की, बिजली की, पानी की, हर कुछ महंगा होता चला जा रहा है। आज अगर हम बात करें हमारे जवाब की, तो हमें बताया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हमने इतने राशन मुफ्त बांटे, हमने इतने सारे राशन कार्ड हैं जिनको बढ़ाया, और साथ ही साथ बहुत सारी आपकी योजनाओं की बातें की। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या क्या मुट्ठी भर राशन बांट करके हम महंगाई पर नियंत्रण पालेंगे? और साथ ही साथ आप जो ये मुट्ठी भर राशन बांट रहे हैं, उससे कुछ विशेष पूंजीपतियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा रही है सरकार। कृपया मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुफ्त राशन जो बांटे गए हैं, तेल, नमक, आटा इत्यादि, किन कंपनियों से इन्हें खरीदा गया है और किन मूल्यों पे खरीदा गया है? साथ ही साथ आपने कहा कि आपने राशन कार्ड के नंबर्स को बढ़ा दिया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि नंबर बढ़ाने से पहले और नंबर बढ़ाने के बाद किस तरीके से महंगाई को आपने रोका है, किस तरीके से उस पर नियंत्रण पाया है? आपने बताया कि अधिनियम 2013 के हिसाब से जो भी राशन कार्ड धारक थे उन सभी को आयोडाइज नमक, साबुत चना और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ये सारी चीजों का निःशुल्क वितरण किया गया है, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो मुफ्त वितरण हुआ है, ये किन कंपनियों के द्वारा और किन मूल्यों पर इनको खरीदा गया है? साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, एक महिला होने के नाते जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, वही बहुत सारी बहनें जो विधवा हैं और उन्हें आपके द्वारा 1,000 रुपए का जो धनराशि मिलती है, तो मैं आपके द्वारा ये पूछना चाहती हूँ कि आए दिन आपके सिलेंडर के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो इन महिलाओं के लिए क्या सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर, आपने कनेक्शन तो करवा दिए, क्या मुफ्त आप सिलेंडर उन्हें देने का कष्ट करेंगे? क्योंकि वो 1,000 रुपए तो सिर्फ आपके सिलेंडर खरीदने में उनके चले जाते हैं, तो बाकी वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे?
कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी इमारतों की जो सिचुएशन है वो जर्जर हो चुकी है, उसका क्या डेटा आपके पास है और उसको आप कब तक ठीक करा देंगे? और जब तक आप उसे ठीक करा रहे हैं तब तक के लिए बच्चों के लिए क्या वैकल्पिक तौर पे कोई आपने सुविधा या कोई इंतजाम किया है? क्योंकि क्योंकि मुझे डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, सिर्फ जी हाँ बोल करके बताया गया है कि हमारे पास कम क्लासेस हैं और उन्हीं एक दो क्लासेस में सारी की सारी क्लासेस को चलाया जाता है। मंत्री जी से, जबकि उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि ना तो सरकार के पास बच्चों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ उनको सम्मानजनक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं है। सवाल करने का अवसर दिया अध्यक्ष जी, मेरा सवाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि हमारे जो प्राथमिक स्कूल हैं ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ एक दो कक्षाएं हैं और उनमें ही सारी क्लासेस चल रही हैं? तो उनका जवाब आया था कि जी हाँ, हमारे यहाँ एक दो ही कक्षाओं में पूरी क्लासेस को चलाया जा रहा है। और ये जवाब स्वयं में ही जनता को बड़ा ठगा हुआ महसूस होता है अध्यक्ष जी। और साथ ही साथ शिक्षा की इतनी सारी बातें हुई और उसके बाद भी जब एक दो कक्षाओं में ही सारी क्लासेस को चला रहे हैं तो ये सरकार की तरफ से एक इस तरीके का भी प्रोजेक्शन है कि आप शिक्षा को लेकर कितने जागरूक हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, जबकि उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि ना तो सरकार के पास बच्चों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ उनको सम्मानजनक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश जगहों पर बच्चे आज भी टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, चाहे वो भीषण गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बरसात, और अधिकांश जगह की जो इमारतें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, सिर्फ जी हाँ बोल करके बताया गया है कि हमारे पास कम क्लासेस हैं और उन्हीं एक दो क्लासेस में सारी की सारी क्लासेस को चलाया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पास प्रॉपर डेटा है कि हमारे पास प्रदेश में कुल इतनी कितनी कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, एक दो या तीन क्लासेस में ही पूरा का पूरा स्कूल है जिसको चलाया जा रहा है? साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी इमारतों की जो सिचुएशन है वो जर्जर हो चुकी है, उसका क्या डेटा आपके पास है और उसको आप कब तक ठीक करा देंगे? और जब तक आप उसे ठीक करा रहे हैं तब तक के लिए बच्चों के लिए क्या वैकल्पिक तौर पे कोई आपने सुविधा या कोई इंतजाम किया है? क्योंकि उन बच्चों का जो समय है जब तक आपकी इमारतों को बनाया जाएगा वो व्यर्थ होगा। और उसके साथ ही मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कोई मानक है जिस अनुसार से बेसिक जो आपके स्कूल्स हैं उनको बनाना चाहिए? तो अगर है तो उस अनुसार पे आप कब तक उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों को बना देंगे?